हम आपको अभी हार्डनेस मशीन कैसे कैलिब्रेट किया जाता है वो सिखा रहे हैं। ये मशीन MiG-10 है और ये डिजिटल हार्डनेस टेस्टर है। इसको चालू करने के लिए ये बटन दबाना है ऑन, और ऑफ करने के लिए ये दोनों को एक साथ दबाना है। तो पहले हम चालू कर रहे हैं, ये चालू हो गया। इसमें बहुत सारा फंक्शन है, ये उसका स्टैंडर्ड, ये उसका। अगर आप लो हाई सेटअप करना चाहते हैं तो लो सेटअप कर सकते हैं, हाई सेटअप भी कर सकते हैं। अभी ऑफ किया हुआ है। लाइट को अगर ऑफ ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको जाना मशीन के अंदर जा रहे हैं हम। फिर HV, HV, HRC, HRB, चार ऑप्शन है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे HRC में। उसके बाद फिर ये हमारा केबल है, इसको हम कनेक्ट करेंगे प्रूफ से। प्रूफ से कनेक्ट करके फिर हम होल्डर में इसको डालेंगे और इस केबल को मशीन से कनेक्ट करेंगे। मशीन कनेक्ट हो चुका है। अब हम HRC पे इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये हमारा ब्लॉक है 64.1 HRC, और ब्लॉक में भी लिखा हुआ है H64.1 HRC प्लस माइनस 0.5। अब हम इसको इतना आना चाहिए तो टॉलरेंस में, और इसका टॉलरेंस भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, अब हम HRC में पहले हम सेटअप करेंगे मशीन को। इस मोड से मोड में जाके सेटअप किया। अभी 47 है, हमें करना है 64.1। तो हम इस 64.1 ओके। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तीन रीडिंग से भी कर सकते हैं, पांच रीडिंग से भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल तीन रीडिंग पे करेंगे। अभी ये फॉल्स हो गया, नहीं सेटअप हुआ। अगर बराबर नहीं बैठेगा तो ये ऐसा आएगा। अब हम HRC में जाइए। HRC में HRC ही है ना? HRC नहीं है। HRC है। नहीं हो रहा तो अगर फिर से अगर कनेक्ट रिकनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी नहीं होगा तो फिर हम उसको इसका एवरेज निकाल रहे हैं। 62.7 कम आ गया। कम आ गया तो हम इसको दोबारा से कर सकते हैं। 63.6, 63.5, 63.7, कितना? 63.6 हमारा टॉलरेंस में आ गया, तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। ओके, अब हमें काम करने से पहले ये जानना जरूरी है। अगर CS में हम काम कर रहे हैं तो 150 to 200 होना चाहिए हार्डनेस वैल्यू, प्लस माइनस 10%। P4 का अगर पाइप है तो 225 होना चाहिए, प्लस माइनस 10%। ये भी सभी में टॉलरेंस 10% चलेगा। 10% है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है 225, 241 P5 का। LOE 625 है तो 175 to 240 होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, और प्लस माइनस 10%। SS, अगर SS का कोई पाइप है 310 है तो 180 to 220 होता है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। और एस डुप्लेक्स का अगर पाइप है कोई SS 205, ये डुप्लेक्स होता है, और इसका मैक्सिमम 293 होता है, प्लस माइनस टॉलरेंस 10% चलेगा। ओके, अब जैसे कोई पाइप है करके आपको दिखाते हैं। वो SS का पाइप, ये भी एक SS का पाइप है। कर दो बेल्ट पे ले रहे हैं रेडी। सबसे पहले एवरेज हटाइए।
टू टू सिक्स, ये भी एक्सेप्ट रेंज है। अगर ये भी टू वन एट एवरेज सही है, पाइप नहीं है तो बस कुछ है, ये सी एस है, सी एस है 179, 187, तो हमारा देख सकते हैं सीएस का 150-200 के रेंज में आ रहा है, तो सही है। एसएस भी आपको दिखा है, एसएस में आपको 182-220 आ रहा था, तो 218 एक्सेप्ट है दोनों। इस तरह से हम काम करेंगे, ये हमारा कैलकुलेशन और काम का दोनों का हो गया, दोनों का हो गया। तो भाई लोगों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।